अयोध्या में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट 23 जनवरी 2024 से खोल दिए गए थे। इसके बाद से ही राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ ही राम के नाम पर लोग दिल खोल कर दान भी दे रहे हैं। हम यहाँ आपको बताएंगे कि राम मंदिर के उद्घाटन से अब तक दान के रुपए में कितनी रकम आई है। 6 दिन में 19 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। दान के डेटा पर नजर डालेंगे तो बता दें कि राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद महज 6 दिनों में ही यहां करीब 19 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तीर्थ यात्री यहां पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। 22 जनवरी को अभिषेक समारोह के बाद 23 जनवरी को मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोले गए, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से भक्तों को आना देखा गया। यहाँ हर रोज लगभग 2 लाख भक्त भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। 28 जनवरी तक राम मंदिर श्रद्धालुओं की संख्या, तारीख श्रद्धालुओं की संख्या आपको बता रहे हैं, 23 जनवरी 5 लाख, 24 जनवरी 2.5 लाख, 25 जनवरी 2 लाख, 26 जनवरी 3.5 लाख, 27 जनवरी 2.5 लाख, 28 जनवरी 3.25 लाख। राम नाम का उत्साह और करोड़ों का दाम। राम मंदिर उद्घाटन के साथ ही अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में राम नाम का उत्साह देखते ही बन रहा है और श्रद्धालु लगातार उनके दर्शन के लिए मंदिर भी पहुंच रहे हैं। वहीं रामलला को अभी भी लगातार श्रद्धालु कुछ ना कुछ भेंट चढ़ा रहे हैं। ये भेंट सोने चांदी के जेवर से लेकर रुपए तक में दी जा रही है। आइए नजर डालते हैं राम मंदिर को उद्घाटन से लेकर अब तक कितने दान मिल चुके हैं। 22 जनवरी 2 लाख का चेक, 6 लाख नकद। 23 तारीख 2.62 करोड़ के चेक, 27 लाख नकद। 24 जनवरी 15 लाख के चेक नकद भी। 25 जनवरी 40,000 के चेक, 8 लाख नकद। 26 जनवरी 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा के चेक और 5 लाख नकद। 27 जनवरी 13 लाख के चेक, 8 लाख नकद। 28 जनवरी 12 लाख के चेक और नकद। 29 जनवरी 7 लाख के चेक और 5 लाख नकद। गौरतलब है कि आंकड़ों के अलावा राम मंदिर में आने वाले ये वो दान है जो दान पात्र में डाला जा रहा है। अनुमान के मुताबिक रोजाना लगभग दान पात्र में 3 लाख का दान दर्शनार्थियों द्वारा डाला जा रहा है। मंदिर में 6 दान काउंटर है और 4 दान पात्र लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धाभाव भी बढ़ रहा है और अपने आराध्य के लिए लोग कुछ ना कुछ भेंट जरूर लेकर जा रहे हैं।